हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस तड़तड़ाती गर्मी में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ठंडा ठंडा श्रीखंड बनाने की रेसिपी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर 1 kg पफेलो का दूध लिया है और इसको अच्छा से गर्म करके मैंने ताजी फ्रेश दही बना लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने किस टाइप की दही बनाई है। इसी तरह से दही बनाना होगा हमें श्रीखंड बनाने के लिए, एकदम बढ़िया सी दही, और दही बिल्कुल भी खट्टी नहीं होनी चाहिए। कॉटन के कपड़े में मैंने दही को डाल दिया है और इस तरह से चारों तरफ से इसका मुंह बंद करके सारा पानी इसका निकाल देंगे। अब इसको इसी तरह से 5 से 6 घंटे के लिए मैं छोड़ दूंगी। एक बड़ा बर्तन में इस तरह से स्ट्रेनर को रख लेंगे और ये जो पोटली मैंने बना करके रखा था दही का, उसको इसमें डाल देंगे। और एक भारी, कोई भी चीज़ भारी हो आप उसके ऊपर रख सकते हैं। मैंने सिलबट्टा का बट्टा लिया है। इसमें श्रीखंड को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 पका आम लिया है। आप कोई भी आम ले सकते हैं, जो आम मीठा है उसी आम से बहुत बढ़िया बनता है। मैंने यहाँ पर हिम सागर आम लिया है। ये आम मीठा भी बहुत होता है और ये बहुत अच्छे से पक भी गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसको बीच से इस तरह से कट लगा देंगे। इस तरह से आम को काटने के बाद इसको स्पून की हेल्प से निकाल लेंगे। ये देखिए बहुत आसानी से निकल गया ये। और इसको निकाल करके अलग बर्तन में रख लेते हैं। सारे आम को इसी तरह से निकाल लेंगे। पके हुए आम का पल्प निकाल के ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। थोड़ा सा कटा हुआ आम मैंने बचा करके रखा है, इसको हम बाद में यूज करेंगे। जार में डालेंगे 3 से 4 चम्मच शक्कर। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और इसको डाल करके बारीक पेस्ट बना लेंगे। एक छोटी कटोरी में मैंने थोड़े से केसर के धागे लिए हैं और इसमें डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच मलाई। ये बफेलो की मलाई है और बहुत ठीक है। इसी तरह से इसको मिला करके थोड़ी देर छोड़ देंगे। 6 घंटे के बाद दही भी एकदम से ठीक हो गया है और ये अब तैयार हो गया है श्रीखंड बनाने के लिए। इसका जो बचा हुआ पानी है उसको भी हम यूज कर लेंगे कढ़ी बनाने में। उसकी बहुत अच्छी थोड़ी सी दही डाल करके कढ़ी बना सकते हैं। और सारे दही को हाथ से इस तरह से फेंट लेंगे। मलाई भी इसमें डाल देंगे और इसको भी साथ में फेंट लेंगे। ये देखिए इस तरह से हाथ से ही इसको फेंटना पड़ेगा, क्योंकि स्पैचुला से या किसी चम्मच से आप करेंगे तो ये फ्लॉफी नहीं बनेगा। इसमें बहुत अच्छा सा टेक्सचर देने के लिए इसको हाथ से ही करना पड़ेगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा सा ये दही फेंट करके तैयार हुआ है। एकदम हाथ में छूने से मक्खन की तरह लग रहा है। इसी तरह का दही हमको तैयार करना पड़ेगा। करीबन 4 से 5 मिनट मैंने दही को फेंट दिया है और ये एकदम से स्मूथ मक्खन की तरह तैयार हो गया है। ये देखिए एकदम हल्का हो गया है। जो मैंने आम का पल्प पीस करके रखा था उसको भी इसी समय डाल देंगे। और आम का पल्प डालने के बाद इसको बहुत ज़्यादा नहीं फेंटेंगे, इसको स्पैचुला से इस तरह से सिर्फ मिला लेंगे ताकि दही में आम का पल्प अच्छी तरह से बस मिक्स हो जाए। आम का पल्प डालने के बाद इसको हाथ से फेंटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी देर में ये तैयार हो जाएगा। और ये देखिए तैयार हो गया है। थोड़ा सा आम का कतरन इसमें डाल देंगे और डाल करके इसको इस तरह से मिला देंगे। बस अब श्रीखंड बन करके तैयार हो गया है। अब इसको एक बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, देखने से एकदम एक क्रीम की तरह लग रहा है और मिक्स बिल्कुल हल्का हो गया है। अब इसको थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाला है बादाम का कतरन, थोड़ा सा डालेंगे इसमें पिस्ता का कतरन, और जो आम का कतरन मैंने बचा करके रखा था उसको भी ऊपर से इस तरह से डाल देंगे। अब आम का श्रीखंड है तो आम डालना इसमें तो बनता ही है। तो इस तरह से आम से मैंने इसको गार्निश कर दिया है। अब इसको 5 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में 6 घंटा रखने के बाद ये इस तरह से दिख रहा है। ये देखिए बिल्कुल आइसक्रीम की तरह ये लग रहा है।
इस गर्मी में इस तरह से ठंडा ठंडा श्रीखंड आप सर्व कीजिए, ये सभी को बहुत पसंद आएगा। और एक बार इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इतना मेहनत करने के बाद एक लाइक तो बनता ही है। इसी के साथ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दें। तो एक बार फिर से मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।